और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। संसद भवन परिसर में यह बैठक हो रही है। बता दें, 3 राज्यों में मिली जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बैठक बेहद ही खास होने वाली है, बड़ी बैठक होगी। सीएम के नामों को लेकर चर्चाएं भी हैं, लगातार बीजेपी में चल रही हैं। और आज संसदीय दल की बैठक है। सबसे पहले बता दें, 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान आज किया जाएगा। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंपर जीत मिली और आज बीजेपी जो सांसद हैं पीएम मोदी का सम्मान करने वाले हैं और यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। तो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की सरकार बनाने पर जो है बेहद खास आज तैयारियां, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। संसदीय दल की बैठक है, पहले सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, अभिनंदन होगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खास कार्यक्रम रखा गया है। ये भी बता दें आपको कि इससे पहले जब सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे थे और सदन में मोदी मोदी के नारे भी लगे थे, उनका स्वागत भी किया गया था। और लगभग बीजेपी के सांसदों ने करीब 3 मिनट तक ताली बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया था। और आज बेहद ही खास होने वाला है आज का दिन, चूंकि संसदीय दल की बैठक अब शुरू होने जा रही है। 9:30 का समय जो है रखा गया है और शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, संसदीय दल की बैठक बेहद ही खास, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, आखिर शुरुआत क्या हो चुकी है बैठक की और क्या खास तस्वीरें, बताइए। हाँ जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत जो है, भव्य अभिनंदन जो है वो सभी सांसदों ने मैं उनका किया है, क्योंकि मैं जिस तरह की जीत जो है वो भी यहाँ पर हासिल हुई है बीजेपी को। हमें अगर 3 राज्यों की बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है उसके तहत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन सभी सांसदों ने किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, इसके साथ के साथ तमाम बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद जो है वो मौजूद हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में अभिनंदन के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो होगा वो होगा और पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सभी सांसदों को जो है वो संबोधित करेंगे। तो साफ तौर पर यहां पर जब पीएम नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की जो रणनीति होगी संसद में उसको लेकर के चर्चा जो है वो यहां पर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ 2024 को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु मंत्र देंगे। एक महत्वपूर्ण ठीक लौटेंगे आपके पास, फिर से लौटेंगे। तो ये बड़ी बैठक बेहद ही खास ही बैठक और आपको बता दें शुरुआत हो चुकी है और जो है सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, अभिवादन किया गया, बड़ी संख्या में जो है सभी लोग पहुंचे हैं, सांसद पहुंचे हैं और ये बेहद खास जो है नज़ारा होगा जिस वक्त सभी मोदी मोदी के नारे जो है संसद में लगा रहे होंगे और भारत माता के नारे लगा रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे होंगे। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है, अभिनंदन जो है उनका किया जा रहा है। बेहद खास आज का दिन, चूंकि 3 राज्यों में बंपर जीत बीजेपी को मिली है और उसके बाद ये सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, बड़ी तैयारियां इसे लेकर के की गई है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। कल पीएम ने अमित शाह के साथ एक बार फिर बैठक की, राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर चौंका सकती है।
देश के दिल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। मंगलवार को पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 4 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम के चेहरे पर मंथन किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए चेहरे को कमान दे सकती है। वहीं एमपी में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रीति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बीडी शर्मा भोपाल पहुंच गए। जब उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जिनका केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में जो विचार करना है करेगा, हम लोग अपने काम में लगे। सर फिर भी उम्मीद करें जल्दी सीएम ने। अब ये तो मुझे लगता है कि क्या होगा नहीं होगा ये केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में तय करेगा। उधर एमपी में कई नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। मसलन प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय। जाहिर है सीएम तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन बाकी के दिग्गज नेताओं की प्रदेश में भूमिका क्या होगी, इसे लेकर सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर। चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जबरदस्त तबाही मचाई है। अब इस तूफान से हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब कई और राज्यों में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने जो तबाही मचाई है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो सत्र आज है और बेहद ही खास सत्र, सत्र का तीसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जो है सत्र के दौरान किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज बेहद ही खास ये संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चर्चा होगी। बंपर जीत जो बीजेपी ने हासिल की है, दर्ज की है, उसके बाद आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज अभिनंदन और सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। इससे पहले भी आपने सोमवार को देखा था जब सत्र की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में बेहद ही अलग तरह से स्वागत किया गया था। तालियां बजाई गई थी कई देर तक और मोदी मोदी के नारे भी लगे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो संसद भवन परिसर में ये बैठक बेहद ही खास, 9:30 बजे इसकी शुरुआत हो गई और स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है। आज सत्र का तीसरा दिन है, बेहद ही खास और बंपर जीत के बाद अब जो है जो संशय लगातार बना हुआ है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सम्मान जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है। बंपर जीत जो हासिल हुई है तीनों ही राज्यों में, उसके बाद पीएम का स्वागत किया जा रहा है। संसद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली से लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सभी सांसदों की मौजूदगी में ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है। ये नारे भी आप सुन रहे हैं। तो नारे भी लगाते हुए सभी सांसद जो मौजूद हैं वहां पर वो भी नजर आए और सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नजर आए। जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन जो है किया गया संसद के अंदर और इसके बाद जो है संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। कुछ ही देर में उसकी शुरुआत होगी। अभी चूंकि आप सुन भी रहे थे, मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे, मोदी है तो गारंटी है इसके नारे लग रहे थे और सभी खुशी से जो है तालियां बजाते हुए नजर आए और साथ ही साथ सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का संसद में किया गया। अब कुछ ही देर में संबोधन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।